सो हे गाइस, तो अभी हमें कालीबाड़ी गांधी चौक रायपुर में, और गाइस अभी है गणेश चतुर्थी का माहौल। आप देख रहे हो गाइस, पूरा क्राउड है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से सजाया गया गाइस। मुझे ही नहीं पता कैसा है, बहुत ही स्पेशल है गाइस। तो चलो गाइस चलते हैं और देखते हैं। गाइस यहाँ की जो डेकोरेशन है, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव को बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शा रहे गाइस। आप देख रहे हो पूरे तिरंगे से सजाया गया है झालर्स को। गाइस हम गणेश जी के पंडाल के पास पहुंच चुके हैं, और ये इसका प्रवेश द्वार। तो गाइस आप यहाँ से आप प्रवेश कर सकते हैं, और हम चलते हैं और अंदर चल के देखते हैं गाइस। बहुत ही क्राउड है यहाँ पे गाइस। जो मेरे राइट साइड है बहुत ही यूनिक है, और ये साइड गेट है गाइस। तो चलो अंदर चल के अपन देखते हैं। सो गाइस अब हम जाने वाले हैं गणेश पंडाल के अंदर। गाइस हम जा रहे हैं अंदर। गाइस यहाँ पे बहुत ही यूनिक मूड है गाइस। तो फिर मैं आज आराम से सेल्फी भी के जैसा खींचना खींचिए, लेकिन अभी जाम ना लगाएं गाइस। अब बहुत ही आगे बढ़ते रहेंगे गाइस। आप देख रहे हो बहुत ही ज्यादा क्राउड है यहाँ पे। गाइस हम अंदर से गणेश जी का दर्शन करके आ चुके हैं, और गाइस बहुत ही ज्यादा क्राउड है। क्यों क्राउड है अब उसको हम दिखाने वाला है गाइस। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ, चलो गाइस दिखाते हो। गाइस अब वो समय आ चुका है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार चुका है, बहुत ही यूनिक चीज़ है। तो चलो गाइस देखते हैं। सो ये है गाइस वो बहुत ही यूनिक चीज़ जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। आप देख रहे हो गाइस, ये है वो टाइटैनिक गाइस बनाया गया, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही यूनिक बनाया गया गाइस। यूनिक चीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसा लगा, और क्या वीडियो बनाना है गाइस हमें कमेंट करके जरूर बताइए।